आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देश भर में चल रहे किसानों के प्रदर्शन और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना दिया। ज्ञापन, लखनऊ शनिवार को महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से राजभवन तक हाथों में झंडे लेकर मार्च निकाला, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से किसानों की मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेज गया। वही आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मिश्रा ने कहा कि किसान काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी जायज मांगे हैं, सरकार उनका कोई ध्यान नहीं दे रही। आज राष्ट्रीय लोकदल ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर प्रदेश भर के किसानों की आवाज को उठाने का काम किया है और किसानों की मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेजा है। उन्होंने कहा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, जिनके कारण खाद, बीज, फर्टिलाइजर भी महंगे हो गए हैं, तब भी कोरोना काल में इन किसानों ने ही देश की अर्थ व्यवस्था को संभाला था। आज किसान आंदोलित है। अगर इसके बाद भी सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो राष्ट्रीय लोक दल किसानों के साथ है और आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसान आपको बताया कि पिछले काफ़ी समय से आंदोलित हैं और उनकी मांगे हैं और बहुत ही उनकी सारगर्भित मांगे हैं और वो मांगे हैं जो कि कोई भी अन्नदाता को मांग ऐसी रखता है सरकार के सामने। उसमें किसानों की बात को हम लोग काफ़ी समय से कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक ऐसा रवैया अपना रखा है कि जैसे उनको बात नहीं सुननी है। भाई, हम लोगों ने ये कहा कि किसानों की, ये हमारा ही नहीं बल्कि समस्त किसानों का कहना है, डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, खाद उर्वरकों के दाम आसमान छू रहे हैं, दवाइयां, केमिकल, फर्टिलाइजर्स के दाम आगे बढ़ गए हैं, और लेकिन हमारी आय का कोई जरिया नहीं है। कोविड काल में भी आपने देखा कि क्या स्थिति हुई है, किस तरीके से फसलों पे, और आप ये देखें कि जब सारी व्यवस्थाएं देश की ध्वस्त थी, उस समय कृषि ने ही देश को सहारा दिया। अगर कृषि क्षेत्र उस समय सहारा नहीं देता तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई होती। उसके बावजूद अगर किसान आंदोलित हैं, सरकार नहीं सुन रही है, तो हम लोगों ने ये अगस्त क्रांति दिवस की तरफ पर किसान क्रांति दिवस को आज मनाया है और हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की मांगों को लेकर के राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन आज दिया हुआ है। और अगर ये मांगे सरकार तुरंत माने, देखिए आवारा पशु किसान की फसलों का नुकसान कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, डीजल पर सब्सिडी दी जाए, उनकी बुआई और कटाई का टाइम चलता है और उसके बावजूद वो कैसे 100 रुपये का डीजल लेंगे। स्थिति ये है कि आप अगर देखें, कहा गन्ने का मूल्य जो इतना भुगतान, मतलब गन्ने का सबसे ज़्यादा है, सरकार ने वादा किया था 2017 में कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 14 दिनों के अंदर समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आज सरकार के जाने के कुछ महीने बचे हुए हैं लेकिन सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े इश्तिहार लगाते हैं कि इतना हमने भुगतान कर दिया। अरे, वो भुगतान करके आपने कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है, वो तो उनका वाजिब हक था। आपने जो वादा किया था कि संपूर्ण भुगतान करेंगे, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सरकार के पास कोई समय नहीं है। हमने नहीं देखा कि सरकार ने कब किसानों के साथ संवाद स्थापित किया हो, कब उनकी बात सुननी चाहिए हो, कब उनके बीच में गए हों और उनकी समस्याओं को समझा हो। आज भी किसान भुखमरी के कगार पर है, आज भी किसान भूखा सोता है, एक पहर खाता है, आज भी किसान कर्ज और गरीबी और मुफलिसी के कारण आत्महत्या करने को विवश है। आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देने से थोड़ी ना सरकारें, आप अपने झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जो सरकारें काम करती हैं उनको बड़े बड़े होर्डिंग और इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारी ये मांग है, हमने सरकार के सामने रखी है, उनको मानना चाहिए। अगर उनको 2022 के इलेक्शन में आगे वापसी अपनी करनी है और किसानों के बीच में सही संदेश देना है तो उनको अविलंब इन मांगों को मानना चाहिए और किसान को जो पहले से ही काफ़ी पीड़ित है, उसके लिए जो संभव यथासंभव प्रयास हो उनको करने चाहिए।